राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे गेहूं, चने, सरसों और धनिया जैसी फसलें चौपट हो गई हैं। राजस्थान के कोटा, बूंदी, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू में ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों के साथ सरसों, तारामीरा, चना और जीरे की फसलों को भारी नुकसान पहुँचा है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में किसानों से मुलाकात की और उन्हें मदद देने का भरोसा दिलाया। हालांकि किसानों को मौसम की इस मार से हुए नुकसान से कर्ज का बोझ बढ़ने का डर सताने लगा है। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं मध्य प्रदेश में किसान नेता राम इनानिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इनानिया जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। जिस तरह का नुकसान हुआ है, मौसम ने जो करवट ली है ओला से, किस तरह के नुकसान की खबर, और ऐसे में ये बताएं कि अब किसानों के सामने क्या विकल्प हैं? हेलो जी इनानिया जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, हम आपको सुन सकते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जिस तरह से मौसम ने करवट ली और जो खड़ी फसल है उसको किस तरह का नुकसान हुआ? देखिए मैम, इसके लिए जो अभी जिस प्रकार से मौसम में बदलाव आया है, ये सीधा सीधा मध्य प्रदेश में अगर अपन देखें तो मध्य प्रदेश का बहुत सारा एरिया जो है 60-70% पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे पहले अगर अपन बात करें, किसान ऑलरेडी तंगी में चल रहा है क्योंकि खरीफ की पूरी फसल इस बार अतिवृष्टि के कारण नष्ट हो चुकी है ना। उसके अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों को बिल्कुल भी फायदा नहीं मिला है। और अगर राहत राशि की बात करें तो राहत राशि राज्य सरकार द्वारा किसानों को कोई सहायता नहीं दी गई है। किसान जो है अब उसमें खेत साफ करने में भी किसानों की वही लागत लगनी है, फसल हो तब भी वही लागत लगेगी, नहीं है तब भी वही लागत लगनी, तो किसान के ऊपर कहीं ना कहीं दोहरी मार पड़ी है। ये बताइए, जिस तरह के हम जिस तरह का नज़ारा देख सकते हैं, फसलें बिल्कुल बिछ गई हैं, ऐसे में सबसे पहले किसानों के सामने क्या विकल्प है? क्या वो इस फसल को अब उखाड़ फेंकेंगे, कोई और फसल लगाने का कोई विकल्प बचा है, क्या है उनके आगे अब रास्ता? मैम अभी दूसरी फसल लगाने का तो विकल्प है नहीं। हाँ, जिन किसानों के पास पानी की व्यवस्था होगी वह किसान जरूर ग्रीष्मकालीन मूंग फसल लगा सकता है जी। और बाकी ये जैसे कहीं ना कहीं फसल का अगर गेहूँ की फसल की अगर बात करें हम लोग, तो गेहूँ की फसल अगर सही कंडीशन में रहे तो 20 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिलता किसान को, पर इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो 6-7 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन किसानों को मिलेगा जी। अब ऐसे में क्या सरकार की तरफ से आपको किसी मुआवजे की, राहत राशि की उम्मीद? मैम किसानों को उम्मीद तो हमेशा रहती है, पर सरकार का रवैया किसानों के प्रति ठीक नहीं, क्योंकि पिछले वर्ष भी खरीफ में अगर हम देखें तो किसानों की फसलें पूर्ण तबाह हो चुकी थी। उसमें राज्य सरकार द्वारा सिर्फ अभी तक 25% राशि किसानों को डाली गई है, 75% राशि का अभी तक कुछ पता नहीं। और फसल बीमा की बात करें तो उसमें पता पड़ रहा है, राज्य सरकार का कहना है कि 2017 में जो राज्य सरकार का वो बाकी बीमा कंपनी को देना, जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक किसानों को फसल बीमा नहीं मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इनानिया जी इस जानकारी के लिए।